आज का हमारा टॉपिक है मेजर बेनिफिट्स ऑफ योगा, जिसमें पहला बेनिफिट है हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डअप करने के लिए योगा हेल्प करता है। आगे ये कह रहे हैं, डिफरेंट आसन्स आर प्रैक्टिस्ड, स्लो मूवमेंट्स और डीप ब्रीदिंग हेल्प्स टू वार्म अप मसल्स एंड बूस्ट ब्लड फ्लो, वाइल होल्डिंग अ पोज कैन हेल्प यू गेन स्ट्रेंथ। स्लो मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग हमें हमारी मसल्स को वार्म अप करने में हेल्प करती हैं और हमारी जो बॉडी का ब्लड फ्लो है उसको भी बूस्ट करती हैं। अगर हम आसनों में होल्ड करते हैं तो ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इट्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑल्सो एड्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉडीली बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम कॉन्स्टेंट योगा की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो बॉडी बैलेंस और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट बेनिफिट है रिलीफ बैक पेन। हमारे जो बैक पेन होता है अगर हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो बैक पेन से भी हमें आराम मिलता है। पेशेंट्स विद लोअर बैक डिस्कम्फर्ट, योगा इज जस्ट एज इफेक्टिव एज बेसिक स्ट्रेचिंग एट रिलीविंग पेन एंड इम्प्रूविंग मोबिलिटी। जैसा मैंने बताया, जिन लोगों को लोअर बैक में दिक्कत है, दर्द रहता है, वो योगा प्रैक्टिस करे तो और बेसिक स्ट्रेचिंग्स वगैरह करे तो उनके बैक पेन में आराम मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट है योगा बेनिफिट्स हार्ट हेल्थ, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ बहुत अच्छी रहती है हमारी। रेगुलर योगा प्रैक्टिस में हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट द बॉडी, रिजल्टिंग इन हेल्दियर हार्ट। अगर हम रेगुलर योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी रिड्यूस होता है। कहीं पे भी शरीर में सूजन है तो वो बॉडी में ठीक होती है और हमारा हार्ट हेल्थ जो है वो हेल्दी रहती है, अच्छा रहता है हार्ट। योगा हेल्प विद सेवरल ऑफ द कंडीशंस दैट कंटिन्यू टू हार्ट डिजीज, कॉन्ट्रीब्यूट टू हार्ट डिजीज, इंक्लूडिंग एक्सेसिव ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी। जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बीपी की दिक्कत है वो हमारे हार्ट को सीधा इफेक्ट करती है। जैसे हाई बीपी होता है तो लो बीपी होता है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो सीधा जो हार्ट की वॉल्स होती हैं उन पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, जो तो बीपी की दिक्कतों की वजह से हार्ट की कंडीशन अराइज हो जाती हैं, हार्ट अटैक जैसी। तो इसीलिए ओबेसिटी होता है, फैट होता है, इमल्सिफाइड फैट। अगर हमारी बॉडी में अगर हमारा फैट जो भी इमल्सिफाई नहीं हो रहा है, मतलब कट नहीं रहा है फैट, तो फैट का डायरेक्टली जैसे कि अगर हमारी बॉडी में हाँ फैट ही वो इंक्रीज्ड है, तो फैट इंक्रीज होने की वजह से उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हार्ट के ऊपर जाता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से अगर हम रेगुलर योगा की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब जो कंडीशन है ये अराइज नहीं होंगी, ना तो बीपी की दिक्कत होगी, ना ओबेसिटी की इशू होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है बेटर स्लीप। रिसर्च ऐसा कहती हैं कि अगर हम कॉन्स्टेंट योग रूटीन में चल रहे हैं, रेगुलर योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो अच्छा रहता है, हमारा माइंड सही रहता है, हमारी बॉडी उस हिसाब से एक्ट करती है जिसके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी एक्ट करती है, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, खाना पीना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेनिफिट है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। साइंटिफिक डेटा ये बताता है कि योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मेंटल हेल्थ और माइंडफुलनेस, हेल्दी ईटिंग होती है, वेट लॉस, गुड स्लीप। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट कहती है कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, माइंडफुल हैं, हमारा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वेट लॉस इन द सेंस आप हेल्दी रह रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो तो वेट गेन नहीं होगा आपका, अच्छी नींद मिल रही है। तो स्ट्रेस जब ये सब कुछ होता है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, गुड स्लीप, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहती है, मेंटल सही रहती है तो स्ट्रेस लेवल कम होता है। इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन, ये भी एक बेनिफिट है, रेगुलर प्रैक्टिस मेडिटेशन की हमारा कंसंट्रेशन को है वो इम्प्रूव करती है। फिर बेनिफिट है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब हम रेगुलर योगा आसन की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी हमें मिलती है, इमोशनली हम स्टेबल होते हैं ज़्यादा ही, मतलब इन द सेंस किसी जगह पर अगर कुछ इमोशन दिखाना है तो एग्जैजरेटेड इमोशंस नहीं है, ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रहे हो, ठीक है, सोशलाइज हो, ज़्यादा चुप भी नहीं हो, तो इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है। उसके बाद जो बेनिफिट है अगला वो है टू इंटीग्रेट मॉरल वैल्यूज। पीपल हु प्रैक्टिस योगा टेक्निक्स गेन सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सोसाइटी बिकम्स अ बेटर प्लेस व्हेन मॉरल वैल्यूज एंड प्रोस्पैरिटी आर एनहांस्ड फॉर एवरीबॉडी। जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं उनका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा होता है, तो सोसाइटी एक अच्छी जगह बन जाती है रहने के लिए अगर हर किसी के अंदर मॉरल वैल्यूज है। मॉरल वैल्यूज यही तो होती हैं कि आप खुद का खुद पे काबू होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको ही होना नहीं चाहिए आपके ऊपर जो आपको बताए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, डिसिप्लिन में रहो, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जब सोसाइटी में ऐसी मॉरल वैल्यूज आती हैं तो अच्छी सोसाइटी अच्छी बनती है, प्रॉस्पेरस होती है, जिससे कि सबका ही फायदा होता है। तो मॉरल वैल्यूज आती हैं हमें, और सोसाइटी में रहने के लिए मॉरल वैल्यूज बहुत ज़रूरी हैं ताकि सोसाइटी एज अ होल कॉन्ट्रीब्यूट कर सके फॉर ह्यूमन वेलबींग। लास्ट है इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम। तो लास्ट बेनिफिट हमारा इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम है, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी इम्प्रूव रहता है।
योगासन्स, प्राणायाम, शटकर्णास एक्टिविटी हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द लंग एंड इंक्रीज द इम्यून सिस्टम. प्री इन्फेक्शन एंड पोस्ट इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड स्विफ्टली. अगर हम योगासन और प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारी लंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है, साथ में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी हेल्दी रहता है. साथ साथ जो अगर हमारा कोई इन्फेक्शन बॉडी में बिल्डअप होने वाला है तो वो पूरा आगे फुल फ्लेज होने से पहले रुक जाता है, या फिर अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो गया उसके बाद हम पोस्ट रिकवरी फेज में, तो रिकवरी स्पीडी होती है, जल्दी होती है रिकवरी. तो इन सब चीज़ों के लिए योगा हेल्प करता है, जैसे कि मैंने बताया ये सारे पॉइंट्स. एक बार दोबारा एग्जाम रिपीटिंग, इट हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिलीफ एंड बैक पेन. योगा बेनिफिट्स हार्ट हेल्थ, बेटर स्लीप, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, इम्प्रूव कंसनट्रेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, टू इंटीग्रेट मॉरल वैल्यूज एंड इम्प्रूव इम्यून सिस्टम. दीज आर ऑल द बेनिफिट्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार अबाउट द मेजर बेनिफिट्स विच आर डिराइव फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योगा.